इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों पर जीत हासिल की। दोनों सीटों से जीतने के बाद ये कयास लगने शुरू हो गए हैं कि राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली में से कौन सी सीट को चुनेंगे और कौन सी सीट को छोड़ेंगे। एबीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी वायनाड छोड़ने का मन बना चुके हैं, जिसके बाद ये सवाल अब सबके मन में उठ रहा है कि अगर राहुल ने वायनाड छोड़ दिया तो उस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, प्रियंका गांधी या रॉबर्ट वाड्रा। दरअसल केरल कांग्रेस अध्यक्ष के सुधाकरन ने बातों बातों में ही ये संकेत दे दिया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड लोकसभा सीट छोड़ सकते हैं और शायद इसी वजह से राहुल गांधी ने केरल में अपने समर्थकों को धन्यवाद देने के लिए वायनाड और मलप्पुरम में रैली भी की। 12 जून को इसी कार्यक्रम में सुधाकरन ने संकेत दिया कि वायनाड के सांसद यहां अपनी सीट छोड़ देंगे। सुधाकरन ने कहा कि हमें दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि राहुल गांधी जिन्हें देश का नेतृत्व करना है उनसे वायनाड में रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती। सुधाकरन ने आगे कहा कि राहुल गांधी के समर्थकों को ये बात समझनी चाहिए और उन्हें अपनी शुभकामनाएं और समर्थन देना चाहिए। राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने की अटकलों के बीच वायनाड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में पोस्टर भी लगाए और साथ ही एक अपील की है। इस अपील में राहुल गांधी के समर्थक कह रहे हैं, राहुल जी प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए, अगर जाना पड़े तो अपनी बहन प्रियंका गांधी से कहें कि वो हमारा ख्याल रखें। वहीं राहुल गांधी ने केरल के मलप्पुरम में कहा कि वो एक सीट को चुनने और दूसरी को छोड़ने को लेकर दुविधा में है। हालांकि राहुल गांधी ने आश्वासन दिया है कि उनके फैसले से दोनों निर्वाचन क्षेत्र के लोग खुश होंगे। मलप्पुरम में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने वायनाड के वोटर्स का धन्यवाद भी किया। राहुल ने कहा कि मैं जल्द ही आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूं। इसके आगे राहुल ने कहा कि मेरे सामने दुविधा है कि मैं वायनाड का सांसद बनूं या रायबरेली का। मैं आपसे यही वादा करता हूं कि वायनाड और रायबरेली दोनों ही मेरे फैसले से खुश होंगे। इस रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा। पहले आप उनका ये भाषण सुनिए। One of the journalists asked him, "How do you take such difficult decisions?" Notice he didn't say intelligent decisions. He said difficult decisions like demonetization, like a bad GST. And the Prime Minister again thought about it, and then he answered, "I don't take any decisions." He said, "God tells me what to do. I am not a biological person. Everybody else in India is a biological person, has a mother and a father. But the Prime Minister said, no, I am not a biological person. And before I take a decision, God tells me what to do." I was thinking, what an interesting God the Prime Minister has. Every decision he tells him to take benefits Adani or Ambani. This Narendra Modi's God does not want to help farmers, does not want to help poor people, does not want to help workers, does not want to help unemployed youngsters, just wants to help Adani and Ambani. Imagine the arrogance of the Prime Minister. There are 1.4 billion people in India and the Prime Minister thinks he is different than all of them. I have a very different view. For me, God is in all of you, in every single person, in the voice of every single person. And this is the protector of the voice of all our people. अंग्रेजी में दिए इस भाषण में राहुल ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है। राहुल ने अपने भाषण में कहा कि नरेंद्र मोदी के परमात्मा उन्हें अंबानी और अडानी के पक्ष में सभी फैसले लेने के लिए कहते हैं। मेरे पास ये सुविधा नहीं है, मेरे भगवान भारत के गरीब लोग हैं और मेरे भगवान वायनाड के लोग हैं, इसलिए मेरे लिए ये आसान है। मैं बस लोगों से बात करता हूँ और मेरे भगवान मुझे बताते हैं कि क्या करना है। वायनाड की जनता से इस तरह की बातें करने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही राहुल गांधी वायनाड को अलविदा कह देंगे और रायबरेली सीट को अपने पास रखेंगे, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद जहां राहुल ने रायबरेली में जनता को धन्यवाद देने के लिए सिर्फ एक रैली की, वहीं वायनाड में फेयरवेल के लिए राहुल ने अब तक 2 रैली कर दी है। और वायनाड की जनता भी कहीं ना कहीं इस बात को मान ही चुकी है कि राहुल इस सीट को छोड़ने वाले हैं। तभी तो राहुल के समर्थक कह रहे हैं कि इस सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रियंका ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, बल्कि उनका कहना है कि वो संगठन के लिए काम करना चाहती हैं, वो अभी किसी आधिकारिक पद को नहीं चाहती। जिसके बाद सूत्रों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि इस सीट से गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में उन्होंने कुछ ऐसे बयान भी दिए हैं जिससे ऐसा लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा राजनीति में आना चाहते हैं। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए एबीपी लाइव। धन्यवाद।